कोविड-19 की चेन तोड़ने को लेकर सिविल अस्पताल ज्वाली में डॉक्टरों, हेल्थ सुपरवाइजर वर्कर तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। इसके उपरांत सभी को ऑब्जर्वेशन रूप में बिठाया गया ताकि पता चल सके कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है या नहीं। SMO डॉक्टर अमन दुबे ने बताया कि कोविड-19 की महामारी से निजात पाने के लिए आज सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को दूसरी डोज दी जा रही है ताकि इस महामारी को जड़ से खत्म किया जा सके। इससे पहले 21 जनवरी को पहली डोज दी गई थी। उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया है कि वह डरे नहीं और सभी लोग विभिन्न चरणों में वैक्सीन की डोज जरूर लें। सर, आज वैक्सीन की ये डोज लग रही है, आज कौन सी डोज और किस किस को लग रही है सर? ये कोरोना महामारी को रोकथाम करने के लिए एक वैक्सीनेशन है जिसका नाम है कोविशील्ड। ये लास्ट मंथ 21 जनवरी को फर्स्ट डोज लगी थी फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, जो बेनिफिशियरीज फर्स्ट बेनिफिशियरीज हैं हेल्थ केयर वर्कर्स, उनको फर्स्ट डोज 21 जनवरी को लगी थी। तो आज 4 हफ्ते बाद सेकेंड डोज हेल्थ केयर वर्कर्स को, इंक्लूडिंग हेल्थ सुपरवाइजर, हेल्थ वर्कर्स, आशा वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स को सेकेंड डोज लग रही है। मुझे 100 हैं हमारे बेनिफिशियर्स हमारे ज्वाली में, इतने ही नरोटा सूर्य में हैं और हमारे ब्लॉक में मतलब 2 जगह आज वैक्सीनेशन हो रही है। तो सर, ये डॉक्टर्स को भी लग रही है वैक्सीन की? जी, हमें भी लगी है। फर्स्ट डोज मैंने भी लगवाई थी 21 जनवरी को और आज भी लगवाई है। बेटर है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई डरने की मिसकंसेप्शन ना पाले लोग, क्योंकि ये कोरोना को हराना है तो कोविड का कोविशील्ड को लगाना है।